सुप्रभात, मैं लता यादव, हिंदी TGT टीचर इन सूरत स्कूल। आज आप सबको हिंदी विषय के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, जिससे कि आप हिंदी को बड़ी आसानी से समझ भी पाएंगे और उसको बोझ भी नहीं समझेंगे। आजकल जैसे कि बच्चों को हिंदी बहुत ही टफ सब्जेक्ट लगता है, उनको लगता है कि हिंदी सही तरीके से बोलना और लिखना बहुत कठिन है, पर ऐसा नहीं है। अगर हमें हिंदी की जानकारी हो, छोटे छोटे टॉपिक्स अगर हमें उनके बारे में पता हो, तो हम हिंदी को बड़े ही आसानी तरीके से सीख सकते हैं और बोल सकते हैं और अपने जीवन में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हिंदी सीखना चाहते हो तो सच में सबसे पहले आपको ज़रूरत है हिंदी व्याकरण की जानकारी होना। बिना व्याकरण की जानकारी के आप कभी भी हिंदी अच्छी तरीके से नहीं सीख पाओगे, ना ही आप शब्दों का सही चयन कर पाओगे, ना ही आप शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर पाओगे। इसलिए आपको हिंदी व्याकरण सीखना सबसे पहले ज़रूरी है। और हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो है वर्ण। वर्ण हिंदी की बेसिक नीड है। बिना वर्ण की जानकारी के आप हिंदी को ना बोल सकते हो ना ही लिख सकते हो। वर्णों की जानकारी हर एक बच्चे को अच्छी तरीके से होने के बाद आप वर्णों को कैसे शब्दों में प्रयोग किया जाता है उसकी जानकारी सही तरीके से पा सकते हो। और जैसे आप सबको पता है कि सब वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, पर एक जानकारी मैं आप सबको दे देती हूँ कि सभी वर्ण मिलकर शब्द नहीं बना सकते। जैसे क ल कल पर क प कप एक जो मीनिंगफुल शब्द है, पर अगर हम च प ट तीन शब्द है, वर्ण है, इनको मिलाते हैं तो चपट बनता है। तो क्या इसका कोई अर्थ होता है? नहीं। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हरेक वर्ण मिलकर एक सार्थक शब्द नहीं बना सकते। तो जब भी हम वर्णों का मेल करते हैं तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वर्णों के सार्थक शब्द मेल होगा तो ही एक सार्थक शब्द बनेगा। और शब्दों से हम छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं, जो हम अपने जीवन में बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, वो हमें एक अच्छी जानकारी मिलती है। इसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल को ही आप एक वाक्य कह सकते हो। बिना सार्थक मेल एक बार वाक्य जो है वो निरर्थक होता है। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना निकले। इसी प्रकार व्याकरण की ये छोटी छोटी जानकारियाँ आपको बहुत ही लाभदायक होगी और आप उसको अपने जीवन में इस्तेमाल कर पाओगे। इसी के साथ में मैं व्याकरण के हर एक टॉपिक की छोटी सी जानकारी आपको देना चाहती हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा हर एक टॉपिक के बारे में। शब्द से आगे आ जाता है हमारा जो टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा जैसे आप सबको पता है, संज्ञा का मतलब होता है कोई भी नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, इन सब के नाम को संज्ञा कहते हैं। और आप अपने जीवन में इसको आसानी से ऐसे भी याद कर सकते हो, कोई भी नाम जिसका आप नाम रख सकते हो, जिसको आप नाम से पुकार सकते हो, वो संज्ञा है। चाहे वो हमारे भाव हो, चाहे कोई इमारतें हो, चाहे इंसान का नाम हो, चाहे पशु का नाम हो, पक्षी का नाम हो, कोई भी नाम संज्ञा है। तो इस तरीके से आप जान पाओगे कि संज्ञा मतलब कोई भी नाम। संज्ञा से आगे मैं आपको बताना चाहूँगी स्वरनाम के बारे में। स्वरनाम जो संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जब भी हम कोई भी पैराग्राफ राइटिंग करते हैं और एक नाम को बार बार रिपीट करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, ना सुनने में ना लिखने में। इसीलिए स्वरनाम का प्रयोग किया जाता है कि उस पैराग्राफ को अच्छा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अब स्वरनाम आप सबको थोड़ा ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं, जैसे मैं, आप, तुम, हम, हमारा, लाइक दैट। जैसे ही आपको स्वरनाम के बारे में पता चलता है, वाक्य, वाक्य शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। विशेषण जो संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताते हैं, कोई भी नाम है, कोई भी स्वरनाम है, उसकी विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद में आ जाता है समास। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है वो समास कहलाता है। ये हमारे शब्दों को बढ़ाने की, बनाने की प्रक्रिया होती है। ऐसे ही इससे आगे आप अलंकार को इस्तेमाल कर सकते हो, जो हमारी कविताओं
में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और कवि अपनी कविताओं में अलंकार का प्रयोग हमेशा करता है, जिससे कि वो अपनी कविताओं को और अच्छा बना सके। ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियाँ अगर आपको हिंदी विषय में होगी तो आप बहुत अच्छी तरीके से हिंदी समझ भी पाओगे, लिख भी पाओगे और उसको आसान मान भी पाओगे। धन्यवाद।